कोई भी सोसाइटी, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी सोसाइटी है, कोई भी आपको एडवांस में ये नहीं करके देगी। अगर देखा जाए तो बरकी का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो हम इसे फार्मर को ही कह सकते हैं। लेकिन नाम चले ले लेते हैं, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं तो हम भी फिर आपके नक्शे कदम पे हैं कि गोल्फ रेजिडेंसी हो चाहे कोई और सोसाइटीज हो, मतलब ऊंची दुकान, फीके पकवान, यहाँ पे तो लोग डेवलपमेंट ही नहीं करते। मैं एडिशन करता जाऊं कि अब आपने नाम ले लिया तो हम साथ चौधरी फार्म्स को भी जरा शर्फ बख्शते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑन द साइट ऑफ फार्मर्स बरकी रोड, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन फॉर फार्म हाउसेज। आज आपको डिटेल वीडियो में हम दिखाएंगे फ्रॉम द यूट्यूब चैनल ऑफ हावर प्रॉपर्टीज के व्हाट आर फार्म हाउसेज, हाउ इट इज़ ऑपरेटेड, और यहाँ पे फार्म हाउसेज के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या पर्पसेस फार्म हाउसेज के अंदर हो सकते हैं जिसके अंदर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो व्यूअर्स, फेज 7 DHA से ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज, इसके अंदर अंदर हम वाक़े हैं बरकी रोड की मेन अप्रोच, और अप्रोच के साथ से ही आप कोई 200-300 मीटर ऑलमोस्ट आप जाते हैं राइट की तरफ, कर्मा वाला स्टॉप इसको कहते हैं, और बरकी रोड से कोई मेन 300-400 मीटर जब आप अंदर जाते हैं तो आपको ये गेटेड कम्युनिटी जिसका नाम फार्मर्स फेस 5 रखा गया है, जो कि वाघा टाउन से अप्रूव्ड सोसाइटी है, जिसकी कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें कंस्ट्रक्शन की तमाम तरह अमूर वाघा टाउन जो कि अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूव किए जाते हैं और नक्शे अप्रूव किए जाते हैं और आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पे की जाती है, और जिसकी फ़र्द हासिल है हमारे पास, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, और एक फार्म हाउसेस की ज़बरदस्त लाइफस्टाइल के साथ साथ ज़बरदस्त यहाँ पे डेवलपमेंट भी आपको नज़र आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं चलते हुए कि काम वो होता है जो नज़र आता है, और काम अगर आपने देखना है तो लेटेस्ट आपको ब्लैक टॉप्स नज़र आएंगे, और ये ब्लैक टॉप्स कोई भी सोसाइटी, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी सोसाइटी है, कोई भी आपको एडवांस में ये नहीं करके देगी। 10 महीने टाइम इंस्टॉलमेंट्स का है, और इंस्टॉलमेंट्स के 10 महीने टाइम के अंदर लोग तो एडवांस आपसे पेमेंट से पकड़ेंगे और आपके पैसों से डेवलपमेंट वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इस चीज़ की सिक्योरिटी और इस चीज़ की खूबसूरती आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि सोलर लाइट्स लगा दी गई हैं, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है, खंबे लग चुके हैं, पोल्स लग चुके हैं जो कि आपके स्ट्रीट लाइट्स के हैं, ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल्ड हैं, रोड्स आपके ग्रीन हैं, 40 feet रोड्स। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोसाइटी आपको देगी, लोग तो अपनी जगह बचाते हैं, बट यहाँ पर आपको अप्रोच के हिसाब से आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पाम ट्रीज हैं, ग्रीनरी है, और आमदोरफ्त आप देख सकते हैं हमारे दोस्तों की और हमारे जानने वालों की, और अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स है। 1 महीने के अंदर ही लोगों ने बुक करवाए हैं, और बुक कराने की वजह मेन इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर 10 महीनों में आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, और आपके पास जगह है 4 canal, 8 canal, सो इमेजिन कि आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट रह भी सकते हैं। दोस्तों का भी व्यू पॉइंट आपको बताते हैं, मौज़म साहब हैं हमारे साथ, जुनेद साहब हैं, आप अक्सर वीडियोस पे देखते होंगे, अपने अपने क्लाइंट्स और अपने फैमिली से इन्होंने शुरू किया है, ख़ुद अपने लिए पहले चूज़ किया और फिर लोग भी ले रहे हैं, ऑलमोस्ट लिमिटेड प्लॉट्स आर लेफ्ट। मौज़म भाई, फ्रीली एंड टू बी मतलब ऑनेस्ट अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आप लाहौर के अंदर खड़े होकर लाहौर से कुछ चंद किलोमीटर्स ही अगर आउटस्कर्ट्स में आप आते हैं तो इतना अच्छा फील तो मेरा ख्याल है किसी सोसाइटी में भी आपको नहीं आता होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली खबर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो बरकी का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो हम इसे फार्मर्स को ही कह सकते हैं जिन्होंने डिलीवर भी किया है, और जिस तरह इसके फेज़ 2 में हमने कंस्ट्रक्शन भी किया है, वहाँ पर हमने फार्म हाउसेज भी बनाए हैं, अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी स्टार्ट करने लगे हैं हम 1 4 canal का और 1 8 canal का फार्म इंशाल्लाह। और सबसे अच्छा इसके अंदर ये है कि डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, आप जिस तरह देख सकते हैं, क्लाइंट्स भी देख सकते हैं कि इन्होंने सारी रोड दोबारा कारपेट की है टूवर्ड्स मेन तक, इन्होंने मेन से जो है वो सारी दोबारा कारपेट की है, और यहाँ पे DHA बहुत करीब है। जैसा, और दूसरी बात ये मौसम भाई कि जैसे आप कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर जो रोड नहीं है उसको भी कारपेट किया है, उसको भी इन्होंने कारपेट कर दिया है, और लाइट्स इन्होंने लगा दी हैं, हालांकि यहाँ पे अभी लोग आना नहीं शुरू हुए, और इन्होंने पहले ही सारा कुछ डेवलप करके दे दिया, जो कि एक बहुत अच्छा इनका है। तो आप फिर अपने लिए यहाँ पे कोई लिविंग लेके आ रहे हैं, देख रहे हैं फ्यूचर में कि नहीं? जरूर, इसीलिए आपके साथ आ जाए। चले, थैंक यू। और जुनेद साहब को आप देखते होंगे जी, हमारे मार्केटिंग को हेड करते हैं और डायरेक्टर हैं,
हमारे। तो जुनेद साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि और भी सोसाइटीज़ में आप विज़िट करते हैं, बरकी रोड के ऊपर आप देखते हैं लोग पेमेंट प्लान्स के साथ साथ आपसे बयाने भी ले लेते हैं, पेमेंट्स भी ले लेते हैं, साल का टाइम भी देते हैं, लेकिन नाम चले ले लेते हैं क्योंकि आप भी बोल रहे हैं तो हम भी फिर आपके नक्शे कदम पे हैं कि गोल्फ रेजिडेंसी हो चाहे कोई और सोसाइटीज़ हों, मतलब ऊंची दुकान, फीके पकवान, यहाँ पे तो लोग डेवलपमेंट ही नहीं करते। मैं एडिशन करता जाऊँ कि अब आपने नाम ले ही लिया तो हम साथ चौधरी फार्म्स को भी ज़रा शर्फ बख्शते हैं। चौधरी फार्म्स ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट किया है सबसे पहले बरकी रोड को जो है, लेकिन आप आज भी उनकी सोसाइटी में जाएँ तो आपको रोड टूटे फूटे ही मिलते हैं और प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन हम अगर फार्मर्स को देखें तो फार्मर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो बातें कम की हैं, डिलीवरेंस की तरफ जो है वो ज़्यादा जोर दिया है, ख्वाब वो फार्मर्स फेज वन हो, फेज टू हो। फेज टू की आपने बहुत ज़्यादा व्यूवर्स वीडियोस देखी हैं, उसकी डेवलपमेंट देखें, उसका डिस्टेंस देखें आप बरकी से और फिर डीएचए से, फिर ये जगह जो फेज फाइव जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन आप देखें, आपको एक चीज नजर आएगी कि कम टाइम में इन्होंने ज्यादा डिलीवरेंस की तरफ जो है वो तवज्जो फरमाई है। अब रोड को देख लें, ब्लैक टॉप फौरी यहाँ पे जो है इन्होंने विद इन अ वीक जैसे इन्होंने ये लैंड को ऑक्यूपाई किया है उसके चंद दिनों के अंदर इन्होंने इस जगह को एस्टेब्लिश किया, डेवलप किया, साथ आपको जो है वो प्लांटेशन की खूबसूरत जो है वो एक ग्रीन बेल्ट की शेप मिल जाती है। जैसे कि आप डीएचए की स्ट्रीट्स में देखते हैं, अगर किसी सेक्टर में डीएचए में चले जाएं स्ट्रीट्स में आपको इस तरह की प्लांटेशन नजर आती है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो पोल्स रेडी मिल चुके हैं। मतलब यहाँ पे आपने सिर्फ प्लॉट लेके आपने यहाँ पे जो है वो अपना इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट खरीदना है उसमें भी आपके लिए आसानी है, फिर यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, अपना घर बनाना है और लिविंग इख्तियार करनी है, बाकी सोसाइटी की तरफ से हर चीज आपको मौके पे फराहम की जा रही है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है जी। बाकी इट्स ओवर टू यू। तो व्यूअर्स, ये तो आपकी फीडबैक्स थे और डिफरेंट आपको मालूमात देने का मकसद ये है कि इसको आप एक दफ़ा ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। ये सारी बातें आपको कैमरे के ऊपर और हमारी तभी प्रैक्टिकल समझ आएंगी जब आप इसको ऑन ग्राउंड आके देखेंगे, और विज़िट के हम आपको चार्ज नहीं करते, हम आपको बड़े अच्छी तरीके से विज़िट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे। फेस 6 मेन बुलेवर्ड 156 MB ग्राउंड फ्लोर पर हमारा ऑफिस है और फार्म हाउसेज की स्पेशलिटी है हमारी, तो आप आए, आपको विजिट कराते हैं। एंड रिमेंबर, यू हैव टू पे इन 10 months। फार्म हाउसेस 10 महीनों के अंदर पेमेंट इज ए बिग थिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।